हाय फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, जब हम इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं तो हमको डेली यूज़ के वर्ड सीखने होते हैं, डेली यूज़ की वोकैबुलरी सीखनी होती है, जिससे कि हम इंग्लिश बोल सकें, डेली यूज़ में इंग्लिश उन वर्ड्स को यूज़ करके इंग्लिश बोल सकें, कभी लिखने की ज़रूरत पड़े तो लिख भी सकें। अच्छा दोस्तों, ये वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, आज की क्लास में हम कुछ खास वर्ड्स को कवर करेंगे। ये वर्ड्स हैं दोस्तों, जैसे हवा का बहना, पानी का बहना, खून का बहना, खून बहाना, चाय इत्यादि का गिर जाना, बह जाना यानी गिर जाना। इन वर्ड्स को दोस्तों हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये हम सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। तो दोस्तों आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देख करके इन सारे वर्ड्स को सीख लेना चाहिए, इनका प्रोनंसिएशन सीखना चाहिए, इनकी मीनिंग सीखनी चाहिए और इनको सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं ये सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है डेली यूज़ वोकैबुलरी, कि डेली यूज़ की जो वोकैबुलरी होती है उसमें जो बहना वाले वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों फ्लो, FLOW, और इसका उच्चारण है फ्लो। अच्छा दोस्तों, मैंने लिखा है फ्लो, मैंने फ्लो नहीं लिखा जैसा कि हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन यही है फ्लो, फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिसको हम ओ समझते हैं, हमको बचपन से हमने सीखा MNOPO बोलते हैं हम। तो दोस्तों जिसको हम ओ समझते हैं उसका प्रोनंसिएशन एक्चुअली ओ नहीं, आधा अ और ऊ का साउंड है, अ ऐसा उसका उच्चारण है। तो ऐसे ही दोस्तों जिसको हम ए समझते हैं वो ए नहीं होता, ए ही होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो कि अल्फ़ाबेट में जो जितने लेटर्स हैं इंग्लिश में उनका क्या करेक्ट प्रोनंसिएशन है, अगर आपको सीखना हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको अल्फ़ाबेट वाला वीडियो निकाल के देखना चाहिए कि उसमें जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में उनका करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या है, जैसे कि आप सही उच्चारण के साथ इंग्लिश को बोल सकें। तो दोस्तों इसका उच्चारण है फ्लो, और ये एक वर्ब है, क्रिया की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, और इसका मीनिंग है दोस्तों बहना। लेकिन किस चीज़ का बहना, अब जैसे दोस्तों हिंदी में तो एक ही वर्ड है बहना, चाहे हवा बह रही हो, चाहे पानी बह रहा हो, चाहे खून बह रहा हो, इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। तो ये हमको बहुत केयरफुली सीखना पड़ेगा कि फ्लो का मतलब क्या बहना होता है। तो दोस्तों फ्लो का मीनिंग जो होता है बहना, वो है कोई लिक्विड अगर है, कोई भी द्रव्य अगर है, या कोई गैस बह रही है, या अगर इलेक्ट्रिसिटी जो तार से होकर गुजरती है बहना हुआ एक तरीके से, तो इन तीनों चीज़ों के लिए फ्लो का इस्तेमाल करेंगे, हवा के बहने के लिए फ्लो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप समझ गए किस किस चीज़ के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है, हर टीयर्स बिगैन टू फ्लो। टीयर्स का मतलब दोस्तों आंसू, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, उसका पास्ट टेंस है बिगैन। हर टीयर्स बिगैन टू फ्लो, उसके आंसू बहने लगे, या उसके मतलब उसने आंसू बहाना शुरू कर दिया, ऐसे ही बोल सकते हैं, या उसके आंसू बहना शुरू हो गए, ऐसे भी बोल समझ सकते हैं इसकी मीनिंग, हर टीयर्स बिगैन टू फ्लो। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, जैसे नदी बहती हुई जाके महासागर में मिल जाती है, वही लिखा है दोस्तों, द रिवर फ्लोज डाउन इन टू द ओशन। ओशन का मीनिंग है महासागर, द रिवर फ्लोज डाउन इन टू द ओशन। तो नदी जो है वो महासागर में जाके बहती हुई मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों फ्लो इस प्रकार से यूज़ करना है हमको। अब हम दोस्तों अगले वर्ड पर आते हैं जो कि है ब्लो, BLOW, और इसका भी उच्चारण इसी प्रकार से होगा, ब्लो, ब्लो नहीं बोलना है, ब्लो। ये भी दोस्तों एक वर्ब है और इसका भी मीनिंग है बहना, लेकिन किस चीज़ का बहना। तो दोस्तों ये विंड के लिए, हवा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हवा के बहने के लिए जब भी के सेंस में हमको बात करनी हो तो हमको, हम अगर कहना हो कि हवा बह रही है तो हमको ब्लो वर्ड यूज़ करना है, न कि फ्लो। कैसे दोस्तों, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप सिर्फ अगर इतना बोलना चाहते हो, हवा बह रही है, तो हमको बोलना चाहिए द विंड इज़ ब्लोइंग, द विंड इज़ ब्लोइंग, हवा बह रही है। नहीं, थोड़ा दूसरे प्रकार का अगर सेंटेंस बनाना है आपको, तो जैसे यहाँ कोई कह रहा है अभी ठंड है भी, तो किसी ने कहा अ कोल्ड विंड ब्लू फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से एक ठंडी हवा बही, ठंडी हवा का झोंका चला और हम सबको कपकपा गया। ऐसे अ कोल्ड विंड ब्लू, ये जो है दोस्तों ब्लू, ये ब्लो का सेकंड फॉर्म है। ब्लो का मीनिंग है बहना और इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्लू, पास्ट टेंस। इसका थर्ड फॉर्म होता है ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज, ये इसके पांचों फॉर्म्स हैं। तो एक्चुअली हमको वर्ब्स के पांचों फॉर्म सीखने चाहिए, जिससे कि हम उनको हर टेंस में करेक्टली यूज कर सकें और अच्छी इंग्लिश, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिख और बोल सके। तो दोस्तों अ कोल्ड विंड ब्लू फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से एक ठंडी हवा चली, ठंडी हवा बही, ऐसा किसी ने कहा। तो दोस्तों ब्लो का इस्तेमाल हवा के बहने के लिए होगा। अब हम आते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है दोस्तों स्पिल, SPILL, स्पिल। स्पिल का मतलब होता है बहना और ये एक वर्ब है। और बहना कैसा,
ये वैसा बहना है दोस्तों, नहीं जो चाय वाय छलक जाती है, जब छलकना लिखा है मैंने, चाय गिर जाती है कपड़े पे, दूध गिर जाता है नीचे, जब कोई भी बर्तन है उसके जो एज, उसका जो एज होता है, उसका जो किनारा होता है, वहाँ से हो के अगर कुछ गलती से हाथ लग गया या ठोकर लग गई पैर में और गलती से गिर गया, ऐसे गिरने को स्पिल कहना चाहिए। आप समझ गए कि कौन सा वाला गिरना, इसलिए मैंने इसको छलकना अलग करके लिखा है। अच्छा दोस्तों, ये किस चीज़, कौन सी चीज़ छलक सकती है? कोई लिक्विड ही छलक के नीचे गिर सकता है, तो किसी लिक्विड के लिए, किसी भी द्रव्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों, शी स्पिल्ड मिल्क, उसने दूध छलका दिया यानी गिर गया दूध। शी स्पिल्ड मिल्क ऑल ओवर हर ड्रेस, उसने अपने ड्रेस के ऊपर दूध गिरा लिया। हो सकता है कोई दूध पी रहा हो सकता है किसी बच्ची के लिए कहा जा रहा हो जो दूध पीने की कोशिश कर रही थी, बट दूध हाथ से छलक गया और कपड़े पर गिर गया, जो ड्रेस थी उसने पहनी हुई उसके ऊपर गिर गया। तो यही बात कही जा रही है, शी स्पिल्ड मिल्क ऑल ओवर हर ड्रेस। अच्छा दोस्तों, इसका जो पास्ट टेंस है स्पिल्ड, ये स्पिल्ड भी हो सकता है, तो ये अब हमको पता रहना चाहिए। स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड, ये भी एक सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो सकते हैं, या स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ट, ये भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो सकते हैं। तो ये कई बार आप कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ चुके हैं कि इसका पास्ट टेंस स्पिल्ड होगा कि स्पिल्ट होगा, दोनों ही होता है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, शेड, शेड का मीनिंग, ये भी एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है बहाना। अभी तक हम बहने की बात कर रहे थे, अब है बहाना, जब हम बहाते तो क्या क्या बहाने के लिए यूज़ होगा दोस्तों? तो ये दोस्तों, टीयर्स और ब्लड, या तो आंसू बहाना या खून बहाना। तो आंसू बहाना या खून बहाना कैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे किसी के लिए कहा जा रहा है, शी वॉज शेडिंग टीयर्स, वो आंसू बहा रही थी। शी वॉज शेडिंग टीयर्स, वो आंसू बहा रही थी। या ऐसे भी बोल सकते हैं, शी शेड नो टीयर्स, उसने आंसू बिल्कुल नहीं बहाए। शी शेड नो टीयर्स, आप किसी को बोल सकते हैं, डोंट शेड टीयर्स, आंसू मत बहाओ। तो आंसू बहाने के लिए, अच्छा खून बहाने के सेंस में कैसे इस्तेमाल होगा दोस्तों? तो जैसे यहाँ किसी ने कहा कि लेट्स नॉट शेड ब्लड इन द नेम ऑफ रिलीजन, हमको धर्म के नाम पर खून नहीं बहाना चाहिए। धर्म के नाम पर बड़ी लड़ाइयाँ होती हमारे पूरी दुनिया में हुई है, तो अगर इंसानियत को जिंदा रखना है तो इसी बात के ऊपर किसी ने कहा, लेट्स नॉट शेड ब्लड इन द नेम ऑफ रिलीजन, हमें धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करनी चाहिए यानी खून नहीं बहाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, तो ये शेड का मीनिंग था। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पर, जो कि है ऊज, डबल ओ जेड ई, ऊज। अब ये दोस्तों कैसा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, ऊज भी एक वर्ब है और इसका मीनिंग भी है बहना, लेकिन कैसा बहना, किस चीज़ का बहना, ये हम सीख लेते हैं। तो ये है दोस्तों, थिक लिक्विड, जैसे ब्लड जब गाढ़ा होकर बहता है जब किसी जख्म से, किसी घाव से, तो वैसा, या पस भी कई बार जो बहता है वो गाढ़ा होता है, एक्चुअली थिक लिक्विड होता है। तो वही कहा गया कि थिक लिक्विड अगर बहे तो उसको ऊज कहना चाहिए। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, ब्लड ऊज्ड आउट ऑफ द वुंड, वुंड का मतलब है दोस्तों घाव, जख्म। तो वे कह रहे हैं कि घाव से खून बह रहा था या खून निकला, द ब्लड ऊज्ड आउट ऑफ द वुंड। तो ऊज्ड इसका सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। तो दोस्तों, ये सारे वर्ड्स थे, एक वर्ड और है दोस्तों, वो है दोस्तों ब्लीड। ब्लीड जो है इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है खून का बहना। तो अगर किसी आपको बोल रहा हूँ उसके खून निकल रहा था, तो आप बोल सकते हैं ही वॉज ब्लीडिंग, यानी उसका कहीं से भी, शरीर के किसी भी हिस्से से अगर चोट लग गई हो तो खून निकल रहा था, ऐसा कहा जा रहा है, ही वॉज ब्लीडिंग। किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ ब्लीडिंग, तो ही इज़ ब्लीडिंग, ही वॉज ब्लीडिंग, इस प्रकार से यूज होगा। इसका जो दोस्तों ब्लीड के जो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है ब्लड, थर्ड फॉर्म भी ब्लड होगा, ब्लीड, ब्लड, ब्लड, ब्लीडिंग, ब्लीड्स, ये पांचों फॉर्म्स हैं। हमको दोस्तों वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स ज़रूर सीखने चाहिए। आज मैं आपको दूसरी बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि पाँचों फॉर्म्स सीखने से, खास करके जो पहले के तीन फॉर्म्स होते हैं वो तो ज़रूर ही सीखने चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ में, तो फोर्थ में आई एन जी लगाना होता है, फिफ्थ में एस आई एस लगाना होता है, तो वो तो आसान है। बट कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके थर्ड फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो हमको एक्चुअली इस पर भी मेरा एक वीडियो है, अगर आप वो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, फाइव फॉर्म्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ब्स। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख करके बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ब्स के पाँचों रूप सीख सकते हैं, जिनको जनरली, जिनके, जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमको नहीं पता होता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा
कि किस चीज़ के बहने के लिए या बहाने के लिए कौन सा वर्ड हमको इस्तेमाल करना है, और आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी आसानी होगी। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के वर्ड्स या इससे भी अच्छे वर्ड्स सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।